जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले, ओम अशरण शरण शरण प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो को पविधाता, वचन प्रतीतन जाई, गुरु के वचन प्रतीतन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई, सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धिताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। माना कि सदगुरु ने ही चुनर सबको पहनाई, माना कि गुरु के बिना कोई पार नहीं होता, तो लोग भाग के गुरु ही बना लेते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। संतों की सेवा करो मन कर्म वचन से। जिसने गृह त्याग किया और ईश्वर पथ में कदम रखा, उनका सास सराहनीय है, वो संत हैं। किंतु सदगुरु कुछ और। पूरा सदगुरु ना मिला, मिले न साचे शीख। भेष जति का बनाय के, घर घर मांगे भीख। यदि पूरा सदगुरु नहीं मिला और वास्तविक शीख नहीं मिली, सदगुरु का उपदेश वो नहीं मिला जो गुरुओं का उपदेश है, तो संत हो जाने के पश्चात भी एक जन्म भीख में चला जाता है। बीज का नाश तो नहीं होता, वो अवश्य पाएंगे, किंतु दूरी ज्यादा हो जाती है। इसी पर संत कबीर का एक भजन है, गुरु की क्या पहचान, गुरु कैसे बोलते हैं, इस पर एक भजन है। तो सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। तो भला वो बादल कहां बरसता है? तो गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। साधु संत जन निशदिन भीजे, निगुरा बूंद भरी तरसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। पांच सखी मिली तपय रसोइया, सुरत सुहागिन परसे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, बिरले शब्द को परखे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सदगुरु का ज्ञान जैसे आसमान में बादल बरसता है, ऐसे ही वृष्टि हुआ करती है। किसी किसी भाविक अधिकारी के हृदय में वो वृष्टि हुआ करती, चिदाकाश में। एक आसमान बाहर है, एक चिद एक आकाश है, उतना ही बड़ा जितना बाहर वाला है। तो चिदाकाश में सदगुरु के ज्ञान का बादल बरसता है। महापुरुष वाणी से कुछ ही दिन बताते हैं, उसके बाद चार आने वाणी से बोलते हैं और बारह आना साधक के हृदय से ही प्रसारित हो जाते हैं।
वो हृदय देश से बोला करते हैं और उनका उपदेश निरंतर वर्षता रहता है, जिसका नाम अनुभव है, जिसका नाम है आत्मा से जागृति। तो सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सदगुरु का, सदगुरुओं का जो ज्ञान है वो बादल की तरह वर्षता है। तो भला कहां बरसता है? तो गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे। वो गंगा में बरसता है और जमुना में बरसता है। गंगा में तो स्वतः पानी था ही, भला वहां बरसने का, वर्षा का क्या उपयोग? वर्षा का लाभ तो हमें तब है जब हमारे खेत में बरसे, लेकिन कहीं नहीं। खेत क्यारी में बरसे तो हम कुछ उत्पादन कर सकेंगे, लेकिन कबीर कहता वो वर्षा नहीं, सदगुरुओं की वृष्टि जो गंगा और जमुना में होती है। ज्ञान ही गंगा है, जोग ही जमुना है। गंगा जमुना खूब नहाने गया न मन का मैल, आठ पहर जूझत ही बीता, जश कोलू का बैल चुलिया काहे ना धुलाई, सुंदर बाके जोगिया चुलिया काहे ना धुलाई। एक तो ये गंगा और ये जमुना है, इसमें स्नान मार्जन करने से आपका पाप दूर होगा, लेकिन लौट के आओगे आप उन्हें पाप कर लेंगे और भर लेंगे। किंतु एक गंगा ऐसी है, ज्ञान ही गंगा है। एक बार पवित्र हो जाने के बाद पुनः कभी दाग नहीं लगता। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने इस पर बल दिया, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मिह विद्यते, तत् स्वयं योग संसिद्ध काले न आत्मनि विन्दति। अर्जुन, ज्ञान से के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उसको तुम स्वयं योग के आरंभ में नहीं, मध्य में नहीं, बल्कि परिपक्व अवस्था काल में आत्मनि विन्दति अपने हृदय देश में प्राप्त करेगा। तो ज्ञान ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी के साथ ज्ञान पूर्ण है, और ईश्वर का संदेश प्रसारण जब से होने लगता है, आसमान से आवाज जब उतरने लगती है, उस दिन से ज्ञान की शुरुआत। तो जिसके हृदय में उस जागृति हो गई, ज्ञान ही गंगा, जिसके हृदय में आत्मा से इष्ट देव सदगुरु रथी हो गए, मार्गदर्शक हो गए, और उस ज्ञान के उपदेश के सहारे चलने वाला पथिक है, वहां वृष्टि होती है। और जो कहते हैं जमुना को, हृदय में जो योग का अनुष्ठान निरंतर अनुष्ठान में प्रवृत्त है, वहां वृष्टि होती, या तो योगी के हृदय में होती है, या उन अनुभवों के सहारे सदगुरु के हृदय में उपदेश जा के सहारे चलने वाले पथिक है, वहां वृष्टि होती है। और ताल तलैया तरसे, सदगुरु का उपदेश भी मिला लेकिन कल पर टालते रहते हैं, वो ताल तलैया है। तलैया का पानी स्थिर होता है, उसमें बहाव नहीं है, प्रवाह नहीं है, किंतु गंगा जमुना का पानी में बहाव है, वो बहते बहते समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है। तो जो योग में प्रवृत्त है, जो इष्ट के द्वारा मिलने वाले निर्देशन ज्ञान में प्रवृत्त है, उसके सारे निरंतर रास्ता तय करने में लगे हैं, अभ्यासरत है, उनमें प्रवाह है, वो उस प्रवाह के सहारे चलते चलते राम सिंधु घन सज्जन धीरा, परमात्मा अथा सिंधु तुल्य है, उस समुद्र में समा जाते हैं और ईश्वर भाव को प्राप्त हो जाते हैं, उस ईश्वर का प्रतिबिंब पा लेते हैं। तो जिनमें प्रवाह है उनमें वर्षता है, किंतु सदगुरु का उपदेश भी सुना लेकिन प्रवाह नहीं है, चलते नहीं है, अभ्यासरत नहीं है, वो ताल तलैया है, वो तरसते रहते हैं, चाहते हैं लेकिन मुश्किल। तरसता वो है कि चाहते और वस्तु मिलती नहीं। तो ताल तलैया तरसे, वो तरसते ही रहते हैं। इसलिए साधक को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए कि सतत अभ्यासरत रहो। ईश्वर पथ में कभी बीज का नाश नहीं है। माना कि आप पूर्ण नहीं कर सकोगे, लेकिन श्वास के रहते रहते 10 कदम तो उस पर रख सकोगे। तो इस ईश्वर पद में बीज का कभी विनाश नहीं। अगले पद में कहते हैं,
कि साधु संत जन निशदिन भींजे। साधु जो साधना में प्रवृत्त थे, जो संत थे, जिनके हृदय में अब संदेह नहीं, संदेह का अंत है, साधना का प्रशस्त पथ, उसमें भ्रांति नहीं है, ऐसे साधक, ऐसे भाविक जन निशदिन भींजे। और रात और दिन भींजते रहते हैं, वो सदगुरु के ज्ञान का बादल रात दिन बरसता है, दिन में चलते फिरते बरसता है, रात में आप सो जाओगे तो आपके सपने में बरसता है। एक क्षण ऐसा नहीं जहां परमात्मा सोता हो, वो रात दिन अहरनिश आपके पीछे, पथिक के पीछे लगा रहता है। केवल साधक को चाहिए कि उनके निर्देशन को समझे और पालन करे। तो साधु जो साधना में प्रवृत्त है, जो मन से इंद्रियों को साध चले हैं, संत साध तो नहीं चले लेकिन उसको कोई संदेह नहीं है, संशयों का अंत और उसमें प्रवृत्त है, ऐसे भाविक वो रात दिन अहरनिश उस बादल से आप्लावित है, भींजते रहते हैं। गुरु का ज्ञान उनके लिए सदा निरंतर अविरल बरसता रहता है। और निगुरा बूंद भर तरसे सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। निगुरा बूंद भरी तरसे, निगुरा कौन? जिसके पास गुरु नहीं, ऐसी बात नहीं। गुरु तो गांव गांव घूम रहा है, बंबई में मिल जाएंगे 50,000 गुरु, काशी में तो का जब भांग छान लिया तो कहते हैं का गुरु छनल, और कोई किसी को ठग लेता बोले का गुरु गठन। हर लाइन साइड का गुरु, सत गुरु जो शाश्वत सत्य परमात्मा है, उसे संयुक्त और उस पथ पे चला देने में सक्षम वो सदगुरु। तो उन सदगुरुओं की विद्या से तो हीन है, लेकिन कोई लकीर पीटता है, कोई रूढ़ी पकड़ के बैठा है, कोई कहता मैं संतोषी का भगत हूं, कोई कहता मैंने यक्षिणी सिद्ध कर रखी है, कोई कहता मैं तांत्रिक हूं, कोई कहता मैं मांत्रिक हूं, कोई न कोई गुरुओं की विद्या सदगुरुओं के पथ से तो सर्वथा वंचित विपरीत दिशा में भटक रहा है, लेकिन जड़ता के साथ उस लकीर को पकड़े हुए है वो निगुरा है। वो गुरुओं की विद्या से वंचित लेकिन कोई न कोई रूढ़ी पर वो अड़ गया है, उससे चिपक गया है, वो निगुरा है। ऐसे निगुरे बूंद बूंद के लिए तरसते रहते हैं, जबकि बेचारे जीवन भर भजन ही करते। कबीर ने निगुरों पर और बल दिया कि कबीरा निगुरा ना मिले पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीश पर लख पापिन को भार। कबीर कहता मुझे निगुरा ने मिले, निगुरा दिखाई नहीं पड़े, बल्कि हजार पापी मिले मुझे स्वीकार है। कारण कि पापी में तो पाप स्वीकार करने की क्षमता है, और जहां आपने पाप स्वीकार किया तो सदगुरु उसको मार्गदर्शन कर देगा और चल देगा, उन पाप धुल जाएंगे, संपूर्ण पापों का अंत हो जाने का उपाय है यदि सदगुरु के विद्या क्रिया के पथ पर चले, उपदेश पुरुष बादल के सहारे चले। लेकिन निगुरा वह जो सुनता ही नहीं, किसी लकीर को पीटने में लगा है, उस जड़ता से उसको पकड़े है। इसी के आधार पर ये संप्रदायों का गठन हुआ है। ईश्वर पथ में कोई संप्रदाय नहीं है, परमात्मा सदा एक और अपरिवर्तनशील, एक से दो कभी हुआ ही नहीं, उसमें परिवर्तन आया ही नहीं, उसको पाने की एक ही विधि। माइक तो हम थे ही, अब मन से इंद्रियों को समेट के ईश्वर की ओर लगा लो। कैसे लगाएं? तो उसके लिए सदगुरु के ज्ञान का आवश्यकता है, जो उसको जाना है, उसमें प्रवेश पाया है, उस आत्मिक परमात्मा स्वरूप की जिंदगी में जो जीता है, उस अमृत को जो प्राप्त है, ऐसे महापुरुष का सानिध्य चाहिए। तो निगुरा बूंद भरी तरसे, जो निगुरे हैं वो एक एक बूंद के लिए तरसते रहते हैं। अब साधना पर एक पहलू देते हैं कि पांच सखी मिली तपे रसोईया, सुरत सुहागिन पर से सदगुरु ज्ञान बदरिया पर से। पांच सखी मिली तपे रसोई। आदि शंकराचार्य ने बताया कि शत्रु कौन, तो कह शत्रु संति निजे इंद्रियाणी,
तानेव मित्राणि जीतानि यानि। सृष्टि में शत्रु कौन? तो बोले अपनी इंद्रिय। किसी शिष्य ने पूछा शंकराचार्य से कि शत्रु कौन, तो उन्होंने कहा अपनी निजे इंद्रियां, अपनी इंद्रियां। किंतु यदि जीत ली जाती है तो वो भी मित्र बन जाती है, मित्रता बरतती है, परम कल्याण साधने वाली होती है। इंद्रियां ही शत्रु और इंद्रियां ही मित्र। पांचों ज्ञानेंद्रियां बाहर रूप रस गंध शब्द और स्पर्श के पीछे दौड़ती है तो शत्रु है। उधर से सिमट कर जब संयत हो जाती है, इष्ट के तद्रूप प्रवाहित हो जाती है, मित्र है, तब ये सखी है, हमारा वास्तविक साथ निर्वाह करने वाली है, हितेशी है। तो पांच सखी अर्थात पांचों ज्ञानेंद्रिया जब संयत हो गई तो सखी है। जहां संयत हुई तो तपे रसोई, तो फिर वो भोजन तैयार करती है। एक भोजन तो ये है जो आपका शरीर का पोषण करता है, रोटी दाल, अथवा जिस पहलू से आपके शरीर का निर्वाह हो सके, और किंतु आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। और दूसरा भजन ही भोजन है जो इस आत्मा की तृप्ति करता है, आत्मा को परिपूर्ण और स्वरूपस्थ करता है, दृष्टा को अपने स्वरूप में स्थिति दिलाता है, वो भजन ही भोजन है। तो पांचों इंद्रियां जहां संयत हुई, अब हमारी ये मित्र हुई, तो तपे रसोई तो भली प्रकारी भजन में प्रवृत्त हो चलती है, भजन रूपी भोजन को तैयार करने पकाने लगती है। और लेकिन सूरत सुहागिन परसे, इन सखियों को संयत करने वाली सूरत, ये सुहागिन है, ये परोसती है। सूरत मन की दृष्टि का नाम सूरत। हम यहां बैठे हैं, सहसा कान में, और आप विभोर हैं सत्संग में, सहसा कोई आपके कान में कह दे कि बच्चा छत से गिर गया, बेहोश अस्पताल गया, तुरंत न तो हमारा शब्द सुनाई पड़ेगा, और यहां वाद्य होगा तो न वो वाद्य सुनाई पड़ेगा, और बच्चे का एक एक रोमा दिखाई पड़ेगा। वस्तु सामने नहीं है लेकिन वस्तु स्पष्ट है, कर लेती है, इस दृष्टि का नाम सूरत। इसी दृष्टि से भजन किया जाता है, सदगुरु के स्वरूप और श्वास में सूरत को लगाया जाता है, नाम जपा जाता है। ये सूरत पांचों इंद्रिय संयत होगी तो ये हमारी सूरत अब सुहागिन है, अब प्यास को प्यारी लगने वाली है, ये परोशे, ये निरंतर उत्तरोत्तर सूरत लगती जाएगी, सूरत डूबती जाएगी, मन की दृष्टि सिमट के भजन में प्रवृत्त होती जाएगी, त्यों त्यों परोसती रहेगी, और उस साधक उसका पान करता जाएगा जिसका नाम है ब्रह्म पीयूष, वो भोक्ता होता जाएगा। और अंत में कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, बिरले शब्द को परखे। कहत कबीर, कबीर कहता सुनो भाई साधु, संतों सुनो, मैं जो उपदेश कर रहा हूं, उस वैदिक तथ्य को जो छिपा कर प्रस्तुत कर रहा हूं, इस शब्दों का आशय बिरले संत ही कोई परख पाएंगे, सबके वश की बात नहीं। तो बिरले शब्द को परखे, सदगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। संत की वाणी को संत ही पहचानते हैं। मैं जितना छिपाकर प्रस्तुत कर रहा हूं, इन शब्दों को बिरले कोई संत ही परख पाएंगे, सब में। कबीर की वाणी हठात समझ में नहीं आती तो लोगों ने उसको उलटवासी कहकर संबोधित किया। उलटवासी नहीं है कबीर, कोई भाड़ थोड़े ही थे कि लोक रिझाने के लिए उटांग पटांग बकते फिरे, वो संत थे। संत के पास समय ही कहां कि लोक रिझाने के लिए कुछ कहे। कबीर की वाणी सटीक है, ईश्वर प्रदत्त है, साधना परख है, लेकिन उस वैदिक तथ्य को छिपा कर प्रस्तुत इसलिए किया अधिकारी लोग ग्रहण कर लें और अनाधिकारी इसका दुरुपयोग न करें। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।